नमस्कार दोस्तों, देखिए जैसा कि आप सभी ने देखा ही होगा दोस्तों, केंद्र सरकार सभी महिलाओं के खाते में यहां पे दे रही है 12,000 रुपए की धनराशि। तो कैसे आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्या दोस्तों यहां पे प्रोसेस रहेगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं दोस्तों, कंप्लीट जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। आवेदन आपको कहाँ जाके करना है, किस टाइप से करना है, कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ, भारत सरकार की कोई भी अच्छी योजना लेके आएँ जिससे आपको यहाँ पर सीधे सीधे लाभ मिले, तो दोस्तों आप वहां पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करेंगे क्या योजना है, कैसी योजना है। तो दोस्तों योजना है स्त्री स्वाभिमान योजना। देखिए स्त्री स्वाभिमान योजना जो केंद्र सरकार ने चलाई है, उस योजना के अंतर्गत सरकार इस योजना के तहत दोस्तों दे रही है सभी महिलाओं के खाते में 12,000 रुपये की नगद धनराशि, जैसा कि आप यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यह योजना केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाई है। अब देखिए बात करेंगे आगे इसमें क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या इसका उद्देश्य है, सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए भारत सरकार की यह योजना सभी राज्यों में समान रूप से दोस्तों शुरू की जा चुकी है, सभी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जो भी आपका दिल्ली हो, जहाँ से भी आप रहने वाले हैं, जम्मू झारखंड उड़ीसा जो भी है दोस्तों, यह भारत के 2900 राज्य और 700 केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो चुकी है। इसमें देखिए और भी कुछ कंडीशंस हैं, तो कंप्लीट चीज़ें देखनी है आपको, तभी जाके आवेदन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आगे पढ़ते हैं क्या इसमें लिखा हुआ है। तो भारत सरकार की इस योजना का उद्देश्य दोस्तों महिलाओं को स्वस्थ बनाना तथा आर्थिक तौर पर सशक्त बनाना है। जी हाँ, इसका उद्देश्य भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष और दोस्तों अधिक से अधिक 55 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, जैसा कि यहाँ पे जो भी अपना आवेदन करना चाहते हैं तो उनकी जो आयु है दोस्तों कम से कम यहाँ पे 18 वर्ष रखी गई है और अधिक से अधिक यहाँ पे देखिए 55 वर्ष रखी गई है, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। चलिए आगे देखते हैं क्या कंडीशंस हैं दोस्तों। तो देखिए इस योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। जी हाँ, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं इस योजना में लाभ ले चुकी हैं। तो यदि आपको भी लाभ लेना है तो यहाँ पे आवेदन की कंप्लीट प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे देख लेनी है। चलिए बात करेंगे आगे योजना में लाभ लेने के लिए आवश्यक कागजात व जरूरी शर्तें। अब देखिए कागजात क्या क्या जरूरी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और क्या क्या कंडीशंस हैं, कंप्लीट देखिए यहाँ पे सब चीज़ हम यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए महिला का दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक पहचान पत्र, जैसे कि वोटर कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या वह किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो उसका आइडेंटिटी कार्ड हो, तो वो यहाँ पे वैलिड है, चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो होना चाहिए आपके पास आधार कार्ड। देखिए आधार कार्ड इस योजना में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आधार कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे पैन कार्ड, तो पैन कार्ड की यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगिता है दोस्तों, पैन कार्ड भी आपके पास ज़रूरी है। अब देखिए आय प्रमाण पत्र भी यहाँ पे डाला गया है, तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। अब देखिए आय प्रमाण पत्र, जब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाओ तो इस योजना में लाभ लेने के लिए उसमें आपको इनकम कम से कम रखवानी है, ज़्यादा इनकम नहीं रखवानी है। चलिए बात करेंगे आगे, किसी भी सरकारी बैंक में दोस्तों आपका एक खाता होना चाहिए, क्योंकि पैसे आपके खाते में ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि पैसे कहीं और आ जाएं, ठीक है। तो पैसे आपके खाते में आएंगे इसलिए आपका सरकारी बैंक में खाता होना चाहिए और यह खाता आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड से अटैच होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप वहाँ करवा सकते हो, आधार कार्ड और पैन कार्ड की दोस्तों फोटोकॉपी देके आप वहाँ पे खाते में अटैच करवा सकते हो। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों सबसे अहम बात यह आती है कि आवेदन कैसे करें और कहां पर करें। देखिए यहां आप अभी तक जो आपने जाना कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन अब आवेदन कहां करेंगे उस चीज़ पे हम देखिए यहां पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्त्री स्वाभिमान योजना में लाभ लेने के लिए आप आवेदन अपने शहर के, ठीक है, जो यहाँ पर लाभ लेना चाहते हैं वह आवेदन अपने शहर के सामुदायिक विकास केंद्र पर दोस्तों जाकर कर सकते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास केंद्र हर शहर में होता है, तो वहाँ पे जाके वहाँ आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आप इस योजना में लाभ ले सकते हैं। और दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं इनकी फोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे लगा देनी है। चलिए बात करेंगे आगे, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वह इस योजना में लाभ कैसे लेंगी। तो देखिए ग्रामीण स्तर पर इस योजना का लाभ लेने के लिए
आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर दोस्तों, जो CSC सेंटर यानी जनसेवा केंद्र खोले गए हैं गांव-गांव में, वहां पर जाके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब देखिए ये कंप्लीट प्रोसेस हो चुकी है, आपको कैसे आवेदन करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कंप्लीट हम यहाँ बता चुके हैं। दोस्तों जिनको भी इस योजना में लाभ चाहिए वह नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना नाम, अपने राज्य का, अपने ज़िले का नाम दोस्तों ज़रूर बताएं और यहाँ वीडियो को लाइक करें। योजना आपको पसंद आई है और आप इसमें लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए बाकी योजनाएं चल रही हैं, जैसे स्कूटी योजना चल रही है, तो उसमें आपको यदि आवेदन करना, आपको स्कूटी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने जिले का नाम हमें ज़रूर बताएं। अब देखिए बेरोजगारी भत्ता जो योजना चलाई है प्रधानमंत्री जी ने, यदि आपको उसमें भी लाभ लेना है तो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए आपको अपना दोस्तों नीचे नाम, और देखिए उसमें आपने कितनी पढ़ाई लिखाई कर रखी है, क्योंकि बेरोजगारी भत्ता आपकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से दिया जा रहा है, तो वो भी हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा यानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, जिससे कि सभी महिलाएँ, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जो भी हैं, सभी महिलाएँ इस योजना में लाभ ले सकें दोस्तों और अच्छे से यहाँ पे जीवन यापन कर सकें। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई योजना, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।